सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, भाग्यान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता मैं आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम मौर्यवंश पढ़ रहे थे, तो मौर्यवंश में जो है मौर्यवंश की स्थापना हमने पढ़ ली। मौर्यवंश में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का हमने कार्यकाल पढ़ा, और उसके बाद हमने बिंदुसार को पढ़ा, फिर अशोक महान की जो है पूरी परिघटनाएं हमने पढ़ी। अब बात करते हैं हम अशोक के उत्तराधिकारी। तो देखो, अशोक के बाद 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारी का शासन रहा। अशोक के मृत्यु के बाद 50 वर्ष तक कमजोर उत्तराधिकारी का शासन रहा, ठीक है। और देखो, अशोक के बाद कुणाल राजा बना। कौन बना? कुणाल राजा, जिसे दिव्यावदान में बौद्ध धर्म का जो है साहित्य है दिव्यावदान में, उसे कुणाल को धर्म विवर्धन कहा गया। कुणाल को क्या कहा गया? धर्म विवर्धन। कुणाल को क्या कहा गया, याद रखिए, धर्म विवर्धन। किसको कहा गया ये? कुणाल को, याद रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में कुणाल जो मौर्य वंश का मतलब अशोक के बाद जो शासक बना, उसको बौद्ध धर्म के जो साहित्य है दिव्यावदान, उसमें जो है क्या कहा गया? धर्म विवर्धन। राज तरंगिणी के जो है अनुसार, अब राज तरंगिणी कलर ने लिखी है कुंडल वन जो है कश्मीर के अंदर, ठीक है। उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। कौन था? जलोक नामक व्यक्ति जो था कश्मीर का शासक था। तारानाथ, ये विदेशी यात्री है तारानाथ, इतिहासकार रहा है बहुत बड़ा। तो तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया, ठीक है। कुणाल के अंधा होने के बाद, जब कुणाल अंधा हुआ, धर्म विवर्धन जिसको कहा गया, जब वो अंधा हुआ है ना, मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति। अभिलेख के साक्ष्यों में जो है अंतिम शासक मौर्य वंश का अभिलेख के साक्ष्यों में किसको माना गया है? संप्रति को, ठीक है। संप्रति के हाथों में आ गया था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं, बौद्ध धर्म की जो गुफाएं हैं नागार्जुनी गुफाएं, ठीक है, गुफाएं आजीवकों को दान में दे दी। अब आजीवक कौन? जो बौद्ध धर्म के श्रावक हैं, अनुयायी हैं, उनको आजीवक कहा गया, ठीक है, जो गुफाओं के अंदर रहते थे, दान में दी। वृद्ध अंतिम मौर्य सम्राट, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। वृद्धत्व ये था अंतिम मौर्य सम्राट। ये आपके पूछे जाने वाला योग्य प्रश्न है, अंतिम सम्राट था कौन था? आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट किसको कहा गया? वृद्धत्व, ठीक है। अब देखो, उसके ब्राह्मण मंत्री, याद रखिएगा, अंतिम मौर्य सम्राट जो था वृद्धत्व, उसकी मृत्यु का कारण क्या था? उसका जो मंत्री था, ठीक है, ब्राह्मण मंत्री, जाति से वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अंतिम सम्राट कौन था? वृद्धत्व था। और इसको जो है मौत के घाट उतारने वाला और कोई नहीं था, इसका ही मंत्री कौन सी जाति विशेष था? ब्राह्मण, ठीक है, उसने ही इसकी हत्या कर दी थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन की। हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन की। देखिए, मौर्यों का जो प्रशासन था, मौर्य प्रशासन मतलब राज्य की व्यवस्था को चलाने का जो जिम्मा रहता है वो प्रशासन का रहता है। तो मौर्य प्रशासन कैसा था इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, आप मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना, मतलब केंद्रीयकृत, विभाजित था लेकिन सारी सत्ता किसके अंदर केंद्रित थी? राजा के अंदर। हम मौर्य साम्राज्य का प्रशासन पढ़ रहे हैं, जिसमें देखो आप, मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना कौन से वंश के समय भारत के अंदर हुई? तो आप याद रखिएगा, मौर्य वंश के समय। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होती होगी। मैंने अभी आपको बताया कि सारी सत्ता का जो है केंद्रक बिंदु कहाँ है? उसका राजा के अंदर। सारी सत्ता का जो है उसके अंदर रहती है। राजा में होती हुई भी वह निरंकुश नहीं होता था, मतलब निरंकुश का मतलब अत्याचारी नहीं होता, ठीक है।
कौटिल्य ने राज्य के सात अंग निर्दिष्ट किए। जो कौटिल्य था चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु, कौटिल्य का जो है दूसरा नाम चाणक्य है, ठीक है, उसने राज्य के अंग निर्दिष्ट किए। मतलब कितने अंग बताए कौटिल्य ने, कितने प्रशासन के कितने भाग बताए, सात, ठीक है, सात अंग निर्दिष्ट किए, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र थी। याद रखिएगा कौटिल्य नामक विद्वान ने जो है, जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, उसने मौर्य प्रशासन को सात भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया, सात भागों। अब सात भाग कौन था, पहला भाग राजा, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, उसके बाद जो है दुर्ग है, फिर कोष है, सेना है, और अंतिम रूप से कौन है प्रशासन का अंतिम भाग कौन सा है, मित्र। देखो आप, राजा द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद ही की जाती। मतलब राजा का जो केंद्रीयगत प्रभाव था उसके अंदर वो निरंकुश नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र के आकलन के बाद की जाती थी राजा के द्वारा। आगे देखो, इस क्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता। याद रखने के योग्य क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन आ जाता है उपदा परीक्षण क्या है। उपदा परीक्षण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे कि उपदा परीक्षण किसे कहें। तो राजा के द्वारा, राजा के द्वारा ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री और पुरोहित, पुरोहित का मतलब वरिष्ठ ब्राह्मण जो राजा के दरबार में बैठता हो, ठीक है, उसको पुरोहित कहा जाता है, जो उनकी वंशावली वगैरह सब रखता है और यज्ञ कर्म कांड करवाता है, वो सब पुरोहित है। तो आप देखिए, मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति जब राजा करता था तो उनके चरित्र बल को देखकर, उनके चरित्र को परख कर उनकी नियुक्ति की जाती थी। इस प्रकार के परीक्षण को जो है मौर्य काल में उपदा परीक्षण कहा गया। आप याद रखिएगा उपदा परीक्षण किसे कहते हैं, ये चीज अब मैंने आपको बता दी। आगे देखो, ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मुख्यमंत्री और पुरोहित कौन होते थे, मंत्रिमंडल के अंतरंग, मतलब विशिष्ट मंत्रिमंडल के सदस्य रहते थे। अंतरंग का मतलब उसमें समाहित रहते थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परीक्षण, देखो आप, ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परीक्षा मंत्रिणी भी होती थी। कौन होती थी मंत्रिमंडल के अतिरिक्त, परीक्षा मंत्रिणी। याद रखिएगा परीक्षा मंत्री क्या है, भी आपको मैं बताऊंगा, जो एक तरह की मंत्रिपरिषद था, ठीक है। मंत्री परीक्षण किसे कहा गया, परीक्षा मंत्रण, जो एक तरह से मंत्रिपरिषद था। केंद्रीय प्रशासन अर्थशास्त्र के विभागों का उल्लेख करता है। केंद्रीय प्रशासन अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख है, 18 विभागों का। कितने विभाग बताए गए, 18 विभाग। देखो अब बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन कितने विभागों में बटा हुआ था अर्थशास्त्र के अनुसार, जिसको अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य चाणक्य, ठीक है, एक ही नाम है। उसने केंद्रीय प्रशासन को कितने भागों में बताया, 18 भागों में, जिन्हें तीर्थ कहा गया। 18 जो भाग है उनको क्या कहा गया, तीर्थ। आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि तीर्थ किसे कहते हैं, तो कौटिल्य के अनुसार प्रशासन के जो 18 भाग बताए गए उनको जो है तीर्थ कहा गया, ठीक है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र, तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा गया, महामात्र कहा गया, ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। अब बात आती है कि समार्थक क्या है, आपकी क्वेश्चन आ जाता है कि समार्थक किसे कहते हैं, तो इसका कार्य राजस्व एकत्र करना, मतलब आय व्यय की व्यवस्था करना, आय व्यय का प्रबंध करना, ठीक है, समार्थक का कार्य। ध्यान दीजिएगा, आपकी क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का कि समार्थक किसे कहते हैं और इसका क्या कार्य। तो देखो आप, इसका कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट प्रस्तुत करना या तैयार करना, ठीक है, समार्थक का मतलब। अब बात करते हैं हम सन्निघाता, क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे कि सन्निघाता किसे कहते हैं, तो सन्निघाता कोषाध्यक्ष को कहते हैं। सन्निघाता किसे कहते हैं, सन्नी कोषाध्यक्ष को, इसको कहते हैं कोषाध्यक्ष को कहते हैं। देखो, साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नागार बनवाना किसका कार्य है, सन्निघाता। कोष इकट्ठा करना, मतलब साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह, मतलब कोष इकट्ठा करना राजकोष,
और अन्नागार बनवाना अन्न को स्टोर करने वाले स्थान को अन्नागार कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र में 26 विभाग अध्यक्षों का उल्लेख है, जैसे कोषाध्यक्ष, ठीक है, शीताध्यक्ष। देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शीताध्यक्ष का कार्य क्या है। शीताध्यक्ष किसको कहते हैं? शीताध्यक्ष। अब मौर्य काल में जो भूमि की माप की गई थी, भूमि की माप की इकाई, उसको जो है सीता कहा गया। क्या कहा गया? सीता। अब जब भूमि की माप की इकाई का इकाइयों का जो कार्य निर्धारण करता था, ऐसे व्यक्ति को सीताध्यक्ष मौर्य काल में कहा गया। ठीक है, आगे देखो, बात आती है, मतलब भूमि की माप की इकाई को सीता और समस्त भूमि की माप को उसका ब्यौरा रखने वाला जो अध्यक्ष था, ठीक है, जैसे राजस्व का है ना, वो सीताध्यक्ष कहलाया। अब बात आती है पणियाध्यक्ष की, मतलब व्यापार से संबंधित लेके इनके पास होते थे। सूत्राध्यक्ष, कताई बुनाई का कार्य करने वाले विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सूत्राध्यक्ष। ठीक है, लूनाध्यक्ष, मतलब बूचड़खाना जहाँ जानवर कटते थे उसके अध्यक्ष को लूनाध्यक्ष कहा गया। विविधताध्यक्ष, चारागाह जो भूमि है, ठीक है, जिस पर जानवर अपने पशु चारण के लिए जो घूमते हैं उसके अध्यक्ष को क्या कहा गया? चाराध्यक्ष, यानी विविधता अध्यक्ष। आगे देखो, लक्षणाध्यक्ष, मतलब मुद्रा जारी करने वाला, उसके हस्ताक्षर के बिना राजकीय मुद्रा जो है ना, जन सामान्य में जारी नहीं होती थी, उसके अध्यक्ष को कहा गया लक्षणाध्यक्ष, मतलब मुद्रा जारी करने वाला। ठीक है, मुद्राध्यक्ष, पोताध्यक्ष, बंदरगाहाध्यक्ष, आठवीं वन विभाग का प्रमुख, आठवीं जो था वो क्या करता था? वन विभाग का प्रमुख को आठवीं कहा गया मौर्य काल में। युक्त और उपयुक्त महामाते तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी हुआ करते। आगे देखो, प्रांतीय प्रशासन, अब हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन में। अशोक के समय में मगध साम्राज्य को 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है? 5 प्रांतों का। उत्तरापद, जो उत्तरापद था तक्षशिला के अंदर, कौन कौन से प्रांत है? उत्तरापद को तक्षशिला, तक्षशिला को उत्तरापद कहा गया। अवंती राष्ट्र को उज्जैनी, अवंती राष्ट्र को जो है क्या कहा गया? उज्जैनी कहा गया। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली, तोसली या धोली, मैंने आपको कलिंग युद्ध के समय बताई थी। कलिंग की राजधानी क्या है? तोसली। अगर क्वेश्चन आपको तोसली याद नहीं रहे, धोली याद रहता है, तो वहाँ पर धोली भी सही है। कलिंग की राजधानी आप धोली या तोसली लिख सकते हैं। ठीक है, दक्षिणाध्यक्ष, मतलब सुवर्णगिरी इसकी राजधानी थी। मध्य देश, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। आगे देखो आप, 7 प्रांतों का प्रशासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी के द्वारा होता। ठीक है, प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार, प्रांतों का प्रशासन कौन संभालता था? कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी के द्वारा होता था। प्रांत विषयों में विभक्ति, प्रांत किसमें बटी हुई थी? प्रशासन की इकाइयाँ पढ़ रहे हम। ठीक है, प्रांतों को तो कौन संभालता था? आर्यपुत्र या कुमार संभालता था। अब बात करते हैं हम, प्रांत विषयों में बटे हुए थे, किन में बटे हुए थे? विषयों में, मतलब प्रांत से छोटी वाली जो इकाई थी वो क्या थी? विषय थी। आगे देखो, जो विषयपतियों के अधीन थी उस पर किसका नियंत्रण था? विषयपतियों का। आगे देखो, जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी जो मौर्य काल में था उसको क्या कहा जाता था? स्थानिक। जो समावर्ता के अधीन, जो किसके अधीन कार्य करता था? समारदय। समारदय का मतलब जो बजट तैयार करता था, आयव्यय का ब्यूरो रखता था, ठीक है, उसको समारदय कहा जाता। आगे देखो, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप्ता, प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई थी उसके मुखिया को कहा जाता था गोप, जो 10 गांवों का शासन संभालता। गोप कितने गाँव का शासन संभालता था? 10 गांवों का। ठीक है, समारदय के अधीन उसके निचली वाली स्टेप पे कौन कार्य करता था? प्रदेष्टी। ठीक है, कौन कार्य करता था? प्रदेष्टी। नामक अधिकारी भी होता था जो स्थानीय गोप ग्राम अधिकारियों के कार्यों की क्या करता था? जांच करता। अगर हम बात करते हैं हम नगर शासन की, तो मैग्नीशीज के अनुसार, अब मैग्नीशीज कौन है? इंडिका नामक पुस्तक का लेखक है मैग्नीशीज। ठीक है, सेल्यूकस ने भेजा था ना अपना उसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। ठीक है,
मैग्नीशीज ने अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो समितियों में क्या था बटा हुआ था। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों में निरीक्षण में कार्य करती थी। द्वितीय सदस्य समिति कौन थी, विदेशों की देखरेख करना थी। आगे देखो तृतीय समिति क्या कार्य करती थी, जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी, मतलब जन्म मृत्यु का जो है पंजीकरण की व्यवस्था देखती थी। चतुर्थ समिति क्या करती थी, मतलब चौथी समिति व्यापार वाणिज्य का जो है प्रबंध करती थी। पांचवी समिति वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। और छठी समिति थी विक्रम मूल्यों का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलने का कार्य करती थी। प्रत्येक समितियों के 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समितियों में कितने सदस्य होते थे, 5। सैन्य व्यवस्था का संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था जो 6 समितियों में क्या हुआ करता था, बटा हुआ था। आगे देखो प्रत्येक समिति के 5 सदस्य थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करते थे। 5 विभागों में थे पैदल सवार, अश्व यानी घोड़े पे सवार, हाथी पे, रथ तथा नौसेना। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता। ये ध्यान देने योग्य बात है कि सैनिक व्यवस्था की जो बागडोर जिसके हाथ में थी वो कहलाता था आपका अंतपाल, याद रखिए। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था। मैग्नीशीज जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, बार बार आपके आ रहा है तो आप याद रखिएगा, मैग्नीशीज कौन था, सेल्यूकस का मंत्री जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मतलब राजनयिक के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है ना, और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। देखो आप मैग्नीशीज इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 10 लाख पैदल, कितने सैनिक थे, 10 लाख तो पैदल, और 50 लाख अश्वारोही घोड़े पे सवार, 9000 हाथी तथा 800 रथों में सुसज्जित विराट सेना थी। ये कहा गया मैग्नीशीज के अनुसार कि मौर्य वंश में इतनी सेना व्याप्त थी। अब न्याय व्यवस्था की बात करते हैं हम। सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता। सम्राट का मतलब राजा, मतलब पहले शुरू में आपको बताया कि सारी केंद्रीय प्रशासन था, मतलब सारी सत्ता किसके आकर अंदर आकर समाहित हो जाती थी, सम्राट या राजा के अंदर। लेकिन केंद्रीकृत का मतलब होता है प्रशासन निचले स्तरों पर बढ़ता जाता है, सामान्य की व्यवस्था का अच्छा प्रबंध है, ठीक है। आगे देखो निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे जहाँ ग्रामणी या ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे, मतलब गाँव के जो न्यायपालक थे या गांव की व्यवस्था को देखने वाले मौर्य काल में कौन हुआ करते थे, इम्पोर्टेंट चीज है, ग्रामणी या ग्राम वृद्ध रहते थे, ठीक है। उसके ऊपर संग्राम जहां ग्रामीण और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे, इसके ऊपर संग्राम द्रोणमुख स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था, सबसे ऊपर किसका न्यायालय था, पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय। ग्राम संघ के राजाओं के न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य सभी जगह न्यायालय 2 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के थे,